नमस्कार दोस्तों, तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी रिचार्ज एप्लीकेशन के बारे में जिससे आप रिचार्ज ही नहीं प्लस में बिजली बिल भी भर सकते हैं, उसके बावजूद डिश रिचार्ज भी कर सकते हैं, गैस भी बुकिंग कर सकते हैं, यानी कि उसमें आपको कुल मिला के काफ़ी सारा सर्विसें मिलता है और ऐप भी काफ़ी स्मूथ काम करता है, इनका ओनर भी काफ़ी अच्छा है। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, अगर आपको कोई भी आईडी चाहिए तो आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको आईडी मिल जाएगा। आपको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी चाहिए, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी चाहिए या रिटेलर आईडी चाहिए, आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। बाकी चलिए वीडियो करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि बेल आइकन को अगर आप प्रेस कर लेते हैं तो आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, ठीक है। तो सिंपल आ गए हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर। मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद में आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, ठीक है। तो हम सिंपल अपने प्ले स्टोर पर आ जाते हैं, तो मतलब प्ले स्टोर ढूंढ लिए, प्ले स्टोर पर क्लिक करेंगे। प्ले स्टोर पर क्लिक करने के बाद में क्या करना है, आपको यहाँ पे टाइप करना है जैसे रिचार्ज। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का लिंक दे दिया हूँ, डायरेक्ट आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए और प्ले स्टोर पर आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं सर्च कर लेता हूँ जैसे रिचार्ज, जैसे रिचार्ज मैंने जैसे सर्च किया मेरे सामने यहाँ जैसे रिचार्ज खुल के आ गया, ठीक है। तो मैं पहले से डाउनलोड किया हुआ हूँ तो यहाँ ओपन आ रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। अगर आप डाउनलोड नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है वहाँ से डाउनलोड कीजिए। एनी कोई भी इंक्वायरी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आपको वहाँ पे उनका रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो सिंपल मैंने एप्लीकेशन को ओपन कर लिया, एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ खुल के ऐसा इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछता है यहाँ पे यूजर नेम यानी कि आईडी, और यहाँ पे पूछता है आपसे पासवर्ड, ठीक है। तो यूजर आईडी और पासवर्ड हमको कहाँ से मिलेगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप वहाँ से जाइए उन पर कॉन्टैक्ट कीजिए, उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, वो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दे देंगे, ठीक है। प्लस में अगर आपको उनसे कॉन्टैक्ट नहीं करना है तो आप नीचे यहाँ दिया गया नोट ए मेंबर साइनअप पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा तीन इंटरफेस खुल के आता है, जिसमें आपसे मांगता है एक में मोबाइल नंबर और एक में मांगता है ईमेल आईडी और एक में मांगता है आपका नेम। तो सबसे पहले आपको ऊपर मोबाइल नंबर भर देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो ऐसे इंटर कर देना है 10 अंक का, उसके बाद में आपका जो भी ईमेल आईडी है ऐसे इंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इधर आपका नेम लिख देना है, जो आपका नेम हो लिख देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, रजिस्टर मी पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे आप ऐसे रजिस्टर मी पे क्लिक करते हैं, सॉरी इसको थोड़ा कट कर देता हूँ, जैसे आप रजिस्टर मी पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिख के आ गया योर रजिस्टर डन सक्सेसफुली प्लीज गो टू, ठीक है। यानी कि ये बोल रहा है कि आपका आईडी 100% यानी कि बन गया, सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो नंबर आप यहाँ पे इंटर किए होंगे वो व्हाट्सअप पे आप अपना जाके चेक कीजिएगा, ठीक है। मतलब वो व्हाट्सअप नंबर होना चाहिए, उस व्हाट्सअप पे जाके आप चेक कीजिएगा तो आपको आईडी पासवर्ड वहाँ पे रिसीव हो गया होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कैसा आईडी पासवर्ड रिसीव होता है। तो मैं अपना व्हाट्सअप ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो व्हाट्सअप ओपन करने के बाद में मैं आपको बताता हूँ कैसा आईडी पासवर्ड रिसीव होगा और कैसे नंबर से आपको रिसीव होगा, ठीक है। तो नंबर कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है, आप नंबर को गौर से देख लीजिए, 97987315 नंबर है इसका, लोगो कुछ ऐसा है, ठीक है। इससे केवल मैसेज आता है, ठीक है, इस पर आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, वही लिखा हुआ था। तो मैं इस पर को खोल कर देख लेता हूँ, उसके बाद में आपका जो पासवर्ड आया होगा वो कैसा होगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आपके पास जो मैसेज आएगा वो ऐसा रहेगा, आप गौर से देख लीजिए, ये मैसेज ऐसा रहेगा जिसमें आपको यहाँ पे दिख जाएगा आपका यूजर आईडी, ठीक है। यूजर आईडी यानी कि यूजर नेम आपका मोबाइल नंबर आता है, ठीक है, और यहाँ पे दिख जाएगा आपका पासवर्ड, ठीक है। तो ये आपका पासवर्ड है, इस पासवर्ड को और यूजर आईडी को क्या कहना है आपको यहाँ पे फिल करना है। एक मिनट सॉरी मैं बता देता हूँ आपको, आपको क्या करना है, यूजर नेम में अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करते टाइम डाले थे आप साइनअप करते टाइम, उसके बाद में जो पासवर्ड शो करना है जैसे जैसे वहाँ पे लिखा है छोटा में तो छोटा में और बड़ा में लिखा है तो बड़ा में लिख के यहाँ ऐसे ऐसे लिख देना है, यहाँ अपना यूजर नेम लिख देना है जो भी है आपका मोबाइल नंबर और यहाँ पे जो भी पासवर्ड है ऐसे लिख के, और आपको क्या करना है लॉग इन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं अपना आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ, ठीक है, और लॉग इन करने के बाद अंदर का जो इंटरफेस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपल मैंने यहाँ पे अपनी आईडी पासवर्ड डाल लिया हुआ है, उसके बाद में आपको यहाँ पे ऐसे आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको क्या करना है, इधर लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया हमारे सामने इसका इंटरफेस खुल के आ गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सर्विसें क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो इसमें बैलेंस रखेंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको सर्विसें क्या क्या मिलता है मैं बता देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे सर्विस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे
तो मैंने सर्विस पे क्लिक किया तो मेरे सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाता है जहाँ से यहाँ से सेल्फ ऐड मनी कर सकते हैं, आप खुद से इस पर बैलेंस लोड कर सकते हैं रिचार्ज करने के लिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे प्रीपेड मिलता है, डीटीएच मिलता है, पोस्टपेड मिलता है, डाटा कार्ड, यानी कि आपको इतने सारे सर्विसें मिलता है। ठीक है, तो ये सब आप गूगल से देख लीजिए। बाकी इसका आपको आईडी चाहिए, बाकी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे भी मालूम है कि एक छोटी सी वीडियो में आपको सही से जानकारी नहीं मिला होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। ठीक है, वो आपको सब चीज़ आपके डाउट्स क्लियर भी करेंगे और आपको आईडी पासवर्ड भी देंगे अगर आपको खुद से साइन अप करने नहीं आ रहा है तो। ठीक है, वो आपको स्टेप बाई स्टेप बताएंगे कि बैलेंस लोड कैसे करना है और इसमें रिचार्ज वगैरह कैसे करना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको सही इन्फॉर्मेशन दे पाए होंगे। अगर सही इन्फॉर्मेशन दे पाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों में, ताकि हर रिचार्ज पे वो भी कुछ ना कुछ इनकम कर पाए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।